हेलो दोस्तों, मैं हूं शगर और आप देख रहे हो टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप डाउनलोड बटन विथ काउंटडाउन टाइमर आप अपना वर्डप्रेस वेबसाइट में लगा सकते हो। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि कैसे आप अपना ब्लॉगर साइट में डाउनलोड बटन विथ काउंटडाउन टाइमर आप अपना ब्लॉगर में लगा सकते हो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डाउनलोड बटन विथ काउंटडाउन टाइमर कैसे अपना वर्डप्रेस वेबसाइट में लगा सकते हो विदाउट हैविंग एनी कोडिंग नॉलेज। मतलब इसमें आपको कोडिंग नॉलेज का कोई भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट दो प्लगइन मैं यूज़ करूँगा जिसके मदद से आप अपना वर्डप्रेस वेबसाइट में डाउनलोड बटन विथ काउंटडाउन टाइमर लगा सकते हो। सो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डाउनलोड बटन विथ काउंटडाउन टाइमर लगा चुका हूँ। इसको कैसे लगाते हैं आप अपना वर्डप्रेस वेबसाइट में, वो ही इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको ज़रूरत होगा दो प्लगइन का, एक है इंसर्ट हेडर फुटर प्लगइन एंड सेकेंड जो इनका ज़रूरत होगा जो कि डाउनलोड बटन क्रिएट करने के लिए ज़रूरत होगा, उसका नाम है शॉर्ट कोड। तो चलिए वर्डप्रेस दिखा देते हैं कौन कौन सा प्लगइन आपको ज़रूरत होगा। यहाँ पे आपको ये जो प्लगइन है इंसर्ट हेडर फुटर, ये प्लगइन आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है जो कि WP बिगिनर से आता है। सेकेंड जो प्लगइन मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है शॉर्ट कोड अल्टीमेट, शॉर्ट कोड्स अल्टीमेट, इसको भी आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। ओके, दोनों प्लगइन इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां से आपको इस आर्टिकल पे आ जाना है। देख सकते हो डाउनलोड नाउ करके लिखा है, इसको डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे, करने के बाद कुछ इस तरीके का एक स्क्रिप्ट आएगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली मैं डाउनलोड कर चुका हूं, ये टेक्स्ट फाइल पे रहेगा और इसको मैं ओपन कर लिया, ठीक है। स्क्रिप्ट को आपको कॉपी कर लेना है, उसके बाद वर्डप्रेस पे आ जाना है, उसके बाद सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आते ही आप देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट हेडर फुटर जो है ये प्लगइन आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको इस यहाँ पे देख सकते हो स्क्रिप्ट इन हेडर, हेडर का स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बॉडी का स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फुटर का स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मतलब आपको कहाँ ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करना है। फुटर में आपको जो स्क्रिप्ट मैं प्रोवाइड किया इसको जस्ट पेस्ट कर देना है, यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रिप्ट को पेस्ट कर चुका हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है, बस सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। ओके, सेव हो चुका है स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट को थोड़ा समझा देते हैं, यहाँ पे आप टाइमर को सेट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे 25 सेकेंड है, आप इसको 30 सेकेंड कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको वैल्यू को चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 30 कर रहा तो यहाँ पे भी आपको 30 करना होगा, उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हो। अब बटन कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं बता दिया कि एक प्लगइन है जिसका नाम है शॉर्ट कोड, जो प्लगइन आपको यूज करना है। कोई भी पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है बटन क्रिएट करने के लिए। एडिट पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं, इसी पोस्ट को कैसे हम बनाएं उसको ही दिखा देते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हो इंसर्ट शॉर्ट कोड करके आएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको बटन को चूज करना है। आप जहाँ पे बटन लगाना चाहते हो, लाइक यहाँ पे मैं ऑलरेडी बटन लगा के रखा है, इस बटन को हम फिर से लगा के दिखाते हैं, इसके ऊपर ही लगा के दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पेस दे दिया और यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद बटन पे क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड लिंक यहाँ पे डालना है, पेस्ट करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे टारगेट ओपन इन न्यू टैब होगा कि क्या होगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, बटन का बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से,
टेक्स्ट कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, बटन का साइज भी यहाँ से आप चूज कर सकते हो। उसके बाद वेरियस डिजाइंस है, जैसे कि यहाँ पे ऑटो, राउंड, स्क्वायर की शेप का बटन चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ से आप आइकन पिक कर सकते हो, जैसे कि आप डाउनलोड आइकन देना चाहते हो तो डाउनलोड आइकन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको आइकॉन का कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बटन में क्या लिखना है, डाउनलोड नाउ अगर लिख देते हैं, डाउनलोड नाउ। अब इतना कुछ होने के बाद आपको लाइव प्रीव्यू करना है, बटन को देखना है, ऐसा आएगा डाउनलोड नाउ, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो अपने हिसाब से उसको सेट यहां से ऊपर से कर सकते हो, ठीक है। अब इसको इंसर्ट इंसर्ट शॉर्टकट पे क्लिक करना है। सो शॉर्टकट देख सकते हो, ये वाला शॉर्टकट इंसर्ट हो चुका है। अब क्या होगा, ये जो शॉर्टकट क्रिएट हुआ है, ये जो बटन क्रिएट हुआ है, इसमें कोई भी काउंटडाउन टाइमर नहीं आएगा। जैसे कि मैं इसमें सिर्फ डाउनलोड बटन ही शो होगा, इसमें कोई भी काउंटडाउन टाइमर शो नहीं होगा। जब तक अगर आपको टाइमर शो करना है तो आपको सिंपली आईडी इक्वल टू डाउनलोड, ये जो कोड है, इस कोड को आपको यहाँ पे डालना होगा, तभी आपको वो जो काउंटडाउन टाइमर वो शो होगा। तो इतना आपको यहाँ पे डालना होगा, तभी काउंटडाउन टाइमर डाउनलोड बटन विथ काउंटडाउन टाइमर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियसली जो क्रिएट करके रखा था, इसको ही आपको एक बार दिखा देते हैं। तो इसको पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। सो पोस्ट को ओपन करते ही आप यहाँ से देख सकते हो, ये आर्टिकल मैं लिख के रखा है, इसका बेनिफिट्स क्या है वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे लिख के रखा, तो आप रीड आउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो टाइमर चल रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मतलब इस जो भी आप चेंज कर सकते हो। कहाँ से करना है, जो इंसर्ट हेडर फुटर था, यहाँ पे इंसर्ट हेडर फुटर में जाना है और यहाँ से आप टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर टेक्स्ट को चेंज करोगे तो वहाँ पे टेक्स्ट अलग शो होगा। सो यहाँ से आप टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, टाइमर भी यहाँ से सेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपको चेंज करना होगा और ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपको चेंज करने से वहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। सो आप अपना हिसाब, यही है बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीका। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।